अगर आप चाहते हैं कि ईद वाले दिन सबकी नजर आपके आप पे टिक जाए तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक ऐसा पैक बनाने जा रही हूँ जिससे आपकी स्किन, आपका चेहरा पहले से कई गुना ज्यादा खिल उठेगा। उसमें एक अलग सा निखार, आपको एक अलग सा ग्लो नजर आने लग जाएगा। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए बताती हूँ कि ये ट्रीटमेंट आपको कैसे तैयार करना है। सबसे पहले जो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ वो मैं यूज करने जा रही हूँ फ्रेंड चावल। चावल को कैसे यूज करना है आपको, इसे आपको पीस लेना है, ठीक है, ताकि ये एक पाउडर फॉर्म में हो जाए, जैसा कि ये मैंने पहले किया हुआ है। हमें चावल के आटे की जरूरत है, ठीक है। चावल में तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो कि हमारी स्किन को काफी ज्यादा ग्लो कर देती है और हमारे स्किन पे एक ब्लीच की तरह वर्क करती है, ठीक है। तो ये आपको 1 टेबल स्पून चावल ले लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर जो मैं ऐड करने जा रही हूँ फ्रेंड, वो मैं ऐड कर रही हूँ चंदन पाउडर। ये मैंने चंदन पाउडर इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स, देखिए, ठीक है। इसका तो आपको पता है कि पुराने टाइम से लोग चंदन वगैरह का, हल्दी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं अपने फेस पे। इससे फेस को एक अलग ही ग्लो मिलता है, जो भी चेहरे के दाग धब्बे हैं वो भी बहुत ही जल्दी रिमूव हो जाते हैं और हमारा चेहरा इतना ग्लो करने लग जाता है ना कि ऐसा लगता है कि जैसे कि चांद जैसी चमक हो जाती है हमारे चेहरे पे। तो ये आपको लेना है 1/2 टेबल स्पून चंदन पाउडर। बहुत अमेजिंग रेमेडी आज मैं बना रही हूँ और इसका इस्तेमाल जो आप करने वाले हैं और जब आप करेंगे इसका इस्तेमाल, इसका रिजल्ट आपको अमेजिंग रिजल्ट देने वाला है ये आपको। अब आपको लेना है फ्रेंड कच्चा दूध। कच्चा दूध तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि इसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती है कि ये हमारे स्किन के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। स्किन की जो भी प्रॉब्लम है अगर हम इसका इस्तेमाल करते, पुराने टाइम से भी लोग कच्चे दूध का इस्तेमाल चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए करते थे, ठीक है। तो अभी हम वही कर रहे हैं, हमें 3 से 4 चम्मच इसके अंदर दूध को ऐड कर देना है जिससे कि ये मिक्स हो जाए, ठीक है। ये देखिए 3 टेबल स्पून इनफ होगा इसके लिए। अब एक लास्ट चीज मैं ऐड करने वाली हूँ फ्रेंड, ग्लिसरीन। अब आप कहेंगे ग्लिसरीन से ग्लोइंग स्किन, हाँ जी बिल्कुल, अगर आप इस्तेमाल करते हैं इसका तो ये भी काफी ज्यादा यूजफुल होता है, काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है आपकी स्किन को, आपकी स्किन पे एक अलग सी शाइन लेके आता है अगर आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं तो। ये ज्यादा यूज नहीं करना है आपको, जस्ट बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल करना है इसको, जैसे कि मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इतना सा ही यूज करना है आपको, ठीक है। अब इन सबको अच्छे से हमें कर लेना है मिक्स, क्योंकि हमारी रेमेडी ये बनके तैयार हो चुकी है। देखिए एक क्रीमी सा टेक्सचर आपको दिख रहा होगा, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, बहुत ही ज्यादा। ईद आने वाली है, वैसे भी इस्तेमाल कर लीजिएगा, ईद से एक दिन पहले आप इसे लगा लीजिए और देखने के बाद जो लोग आपको कहेंगे वाओ इतना ग्लोइंग स्किन, सीक्रेट पूछने लग जाएंगे आपसे कि बताओ जी इस खूबसूरती का राज क्या है, तो वही ये राज मैंने ये बना के दिखाया है आपको। चलिए ये तो तैयार हो चुका है, अब मैं बताती हूँ कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। देखिए आपको अपने चेहरे पे इसे अच्छे से अप्लाई करना है, जैसे कि मैं आपको अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ। सेम ऐसे ही आपको अपने पूरे चेहरे पे इसे लगाना है। आप चाहें तो इसे अपने हाथ वगैरह पे, पैरों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम रिजल्ट देगा जो आपकी स्किन पे, जो आपके चेहरे पे देगा वही सेम रिजल्ट आपके स्किन पे देगा। ये काफी ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट आपको देने वाला है। देखिए इसको अच्छे से इसे अप्लाई कर लीजिए, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये लीजिए, अच्छे से इसको अप्लाई कर लिया है मैंने। अब क्या करते हैं, इसको वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद मैं इसको आपका रिजल्ट दिखाती हूँ। कम से कम 10-15 मिनट तक आपको ऐसे ही लगे रहने देना, जब ये सूख जाए अच्छे से देन आपको इसे वॉश कर लेना है, ठीक है। तो मैं आपको इसको वॉश करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने अपने हैंड को वॉश कर लिया है, आपको एक अलग सा निखार नजर आ रहा होगा। सेम यही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो। ईद से एक दिन पहले लगा लीजिए, आपका चेहरा चमकने लग जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।